ताकि एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी दिखें। तो दोस्तों इसी लिविंग एरिया में बिल्कुल थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक डाइनिंग एरिया मिलेगा, जहाँ पर दोस्तों आप अपने डाइनिंग टेबल सेट कर सकते हैं, अपने पूरे घर वालों के साथ मिलकर यहाँ पर बैठकर आप खाना खा सकते हैं। दोस्तों इस जगह की चौड़ाई तकरीबन 9.5 फीट है, जबकि 12.5 फीट इसकी लंबाई है। डाइनिंग टेबल के दोस्तों बिल्कुल सामने अगर आप देखें तो आपको ये जो जाली वाला डोर मिल रहा है दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर ये 2.5 फीट का किचन का डोर है। इसमें एंटर हों तो आपको 5.5 फीट चौड़ाई और 8 फीट लंबाई का दोस्तों आपको किचन मिलेगा। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि आपके वॉश बेसिन, आपके चूल्हे, आपकी अलमारियाँ वगैरह ईजिली एडजस्ट हो सकती है। प्लस दोस्तों किचन की वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किचन की स्मेल और स्मोक वगैरह बाहर एग्जॉस्ट हो घर के अंदर ना आए, और उसके लिए दोस्तों हमने यहाँ पर एक विंडो दी है, एक रोशनदान दिया है, ताकि इसके थ्रू किचन की स्मेल और स्मोक, एग्जॉस्ट और वेंटिलेशन इसकी अच्छे से हो सके। तो दोस्तों ये था किचन 5.5 बाय 8 फीट का। इससे बाहर आएंगे तो आपको बिल्कुल किचन के साथ सामने ये जो डोर नज़र आ रहा है दोस्तों, ये हमारा मास्टर बेडरूम का डोर है ग्राउंड फ्लोर पर। इसमें एंटर हो तो आपको 9.5 फीट चौड़ाई और 10.5 फीट लंबाई का आपको मास्टर बेडरूम मिलेगा ग्राउंड फ्लोर पर। दोस्तों इसमें भी आप देख सकते हैं कि आपके बेड्स, आपके अलमारियाँ, आपके ड्रेसिंग टेबल्स वगैरह इजीली एडजस्ट हो सकते हैं। प्लस दोस्तों बेडरूम की वेंटिलेशन के लिए हमारे पास यहाँ पर फ्री साइड पर यहाँ पर एक विंडो है बैक की तरफ, ताकि इसके थ्रू रूम में ताज़ा हवा और रोशनी आती रहे, इसके रूम की भी वेंटिलेशन अच्छे से हो सके। तो दोस्तों विंडो के बिल्कुल साथ अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर एक डोर नज़र आ रहा है दोस्तों, ये भी हमारा अटैच टॉयलेट / बाथरूम का डोर है ग्राउंड फ्लोर पर। इसमें एंटर होंगे तो आपको 5.5 बाय 5 फीट का आपको अटैच टॉयलेट मिलेगा। 5.5 फीट इसकी चौड़ाई है और 5 फीट दोस्तों इसकी लंबाई है। दोस्तों एक छोटे प्लॉट के लिए सही साइज़ है। इसमें आपके शॉवर्स, आपके टॉयलेट सीट्स, आपके वॉश बेसिन वगैरह इजीली एडजस्ट हो सकते हैं। प्लस दोस्तों इसकी वेंटिलेशन के लिए अगेन फ्री साइड पर पीछे यहाँ पर हमारे पास एक रोशनदान होगा, ताकि उसके थ्रू टॉयलेट की स्मेल वगैरह बाहर एग्जॉस्ट हो और उसके थ्रू रोशनी भी टॉयलेट के अंदर आती रहे, वेंटिलेशन अच्छे से हो सकेगी टॉयलेट / बाथरूम की। तो दोस्तों इसके फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ पर हमारे पास पोर्च की तरफ से ही स्टेयर्स जाएंगी यहाँ से, और फर्स्ट फ्लोर पर दोस्तों इसमें 2 बेडरूम्स बनेंगे, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको इसका ग्राउंड फ्लोर का नक्शा पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताइए, कोई मिस्टेक नज़र आती है तो वो भी बताएं। दोस्तों मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड बाय।